सिरसा रोडवे कर्मचारियों में एक बार फिर रोष देखने को मिला। कर्मचारी रोडवे परिसर में इकट्ठा हुए और सिरसा रोडवे जीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे रोडवे कर्मचारियों ने सिरसा रोडवे जीएम पर कर्मचारियों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से जीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने जीएम पर जात पात का जहर घोलने का भी आरोप लगाया। हरियाणा तालमेल कमेटी के सिरसा डिपो सदस्य मदनलाल खोत ने बताया कि सिरसा जीएम तुगलकी फरमान जारी कर कर्मचारियों को आत्महत्या करने को मजबूर कर रहे हैं। जीएम ने अपने चहेतों को सरेआम लूट करने की छूट दे रखी है। तो कल न्यू न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। आज की तो हमारी है, कर्मचारियों ने रोष प्रकट किया है। यह हरियाणा रोडवेज जीएम सिरसा के खिलाफ जो तुगल की फरमान जारी करता है, कर्मचारियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है और अपने चहेतों को लूट की छूट दे रखी है। इसी को लेकर आज हमारा एक महावीर पूनिया जी कंडक्टर है, आत्महत्या मौत के बीच मौत के साथ जूझ रहा है, जो जिंदल हॉस्पिटल एडमिट है। हम इस जीएम साहब को कई बार मौखिक और लिखित में दे चुके हैं। एक तो कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करता है, दूसरा हमारे जो आज रोटेशन की बात आती है तो कर्मचारियों को रेस्ट ना देकर और उनके एब्सेंट लगा दी जाती है। किसी के अपने चहेतों से फ़ोन करवा के जो लोग स्ट्राइक में थे या जो कर्मचारी को आवाज़ उठा रहे थे, जो जनता की आवाज़ उठा रहे थे, उनको सस्पेंड किया जा रहा है नाजायज तौर पे। ना इंक्वायरी होती है, ना कोई रिपोर्ट होती है, वैसे सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। इसी का शिकार कल हमारा एक साथी जो आज मौत के मुंह में जूझ रहा है। हम मांग करते हैं टाइम रहते हुए सरकार प्रशासन से, जिला प्रशासन सिरसा से, कि जीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। जो कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उचित कार्रवाई हो। जो बिरजमोहन नाम कंडक्टर जो जीएम के बिरादरी भाई हैं, उनको दो बार रिपोर्ट होने के बावजूद ना सस्पेंड किया जा रहा है, ना कुछ उनको पनिशमेंट दी जा रही है। अपने चहेतों को अच्छी सीटों पर लगा के जात पात का जहर घोला जा रहा है। इसकी तालमेल कमेटी सिरसा डिपो के तमाम कर्मचारी, तमाम सदस्य इसका विरोध करते हैं। यदि टाइम रहते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी तो इससे भी बड़ी आंदोलन की रूपरेखा बनाएगी तालमेल कमेटी। 25 तारीख को जो रोहतक में हमारी कन्वेंशन होने जा रही है, उसमें हम अपने स्टेट के नेताओं से भी विचार विमर्श करके अगला कदम उठाएंगे।